भ्रष्टाचार था, आपने भी कहा भ्रष्टाचार था, 2G 3G जीजा जी कोलगेट। ये सारा विरोध भारत के वैभव को देने वाले नरेंद्र मोदी जी का है। ये सारा विरोध भारत का दुनिया में जो सम्मान हो रहा है उससे जल रहे लोगों का। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ईर्ष्या, जो ईर्ष्या से भरे हुए लोग हैं उनका विरोध है। दोस्तों, रिंक्या के पापा उर्फ मनोज तिवारी को डिबेट में जब भी मैं सुनता हूं तो हंसी ही आती है। आप ये डिबेट देखिए, आपको भी इनकी बातें सुनकर हंसी आने लग जाएगी। और बड़ी आराम से बातें करके डाइवर्ट कर दी जाती हैं। अच्छा, क्या ये देश को ये नहीं पता कि अभी जो महामहिम राष्ट्रपति जी जब उनका अभी अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर रही थी, तो यही कांग्रेस के लोग अधिवेशन में आए नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? वो सुनने को तैयार नहीं थे, इतना गुस्से में थे कि एक आदिवासी समाज से एक हमारी बहन बेटी भारत की सबसे ऊंची पद पे बैठी है, ठीक है समरिया, तो उस दिन आए नहीं, लेकिन आज उनका प्रेम जगा हुआ है। तो इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 988 सीटों की संसद देश को दे दी। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? अब हम कहेंगे तो बुरा लगेगा, क्योंकि जब कांग्रेस का शासन था तो कहीं फार्म हाउस बनाने में लगे थे, कहीं अपनी कोठियां बनाने में लगे थे अपने रिश्तेदारों के साथ। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। तो कहने के लिए बहुत बड़ी बातें, लेकिन मूल क्या है, नरेंद्र मोदी के ऑरा से परेशान है। मजा नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी के दुनिया में बढ़ रहे प्रेम और देश के जितने 140 करोड़ लोगों में से एक डेढ़ करोड़ हटा दीजिए तो सब नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। कुछ भी उनकी सोच के साथ खड़े हैं, इस नई संसद का स्वागत कर रहे हैं। अब इस विरोध का तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो जी, आपने रिंक्या के पापा उर्फ मनोज तिवारी को सुना। इन्हें जितना देर तक सुना बस हंसी ही आ रही थी, वो भी इस बात पर कि मोदी के औरा से विपक्ष परेशान है। 140 करोड़ में से 1 करोड़ हटा दिया जाए तो सब मोदी के साथ खड़े हैं। इसी वजह से एक एक कर हर राज्यों में लोग इन्हें खदेड़ रहे हैं। खैर, मेरा मानना है कि इनकी बातें सुनिए और इंटरटेनमेंट के तौर पर लीजिए, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा किसी भी एंगल से डिबेट करने लायक नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, बड़ी बड़ी गाथाएं महिमा मंडन किया जा रहा था। मैं तो ये अभी मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि सिर्फ 1.5 करोड़ लोगों को छोड़ करके बाकी तो नरेंद्र मोदी जी के सब बड़े चाहने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी कर्नाटक में ही हार हुई है, लगभग 12 करोड़ लोग वहां पे हैं। उसके पहले हिमाचल में हुई थी। अगर पूर्वोत्तर के राज्यों में आप देख लें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिण के राज्यों में देख लें तो कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। यही नहीं, अभी और सुनिए, देश कर्नाटक में तो अभी हो ही गया आपके साथ में, केरला वहाँ सब साफ है, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान सब जगह साफ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मध्य प्रदेश में भी किस तरीके से आपने सरकार बनाई दुनिया को मालूम है। महाराष्ट्र तो अभी ताज़ा आपके सामने उदाहरण सामने पड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना, अभी कह रहे थे कि देश खुशहाल हो रहा है, ऐश्वर्य जी भी बहुत गुणगान कर रहे थे सरकार की। भैया, रोज जम्मू कश्मीर में रोज हमारे सैनिकों की शहादत हो रही है। हाँ भाई हाँ, रोज हो रही है, रोज मर रहे हैं। जब से हमें ये कहा गया था कि 370 हट जाएगा, नोटबंदी खत्म हो जाएगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। बात तो सही है लेकिन सारे पैसे वापस आ गए, काला धन नहीं मिला, आतंकवाद तो नहीं खत्म हुआ, लेकिन रोज हमारे सैनिक वो वहां पर उनके साथ में हो रहा है, शहादत हो रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 85 करोड़ लोग गरीबी जनता के नीचे रहते हैं और मनोज तिवारी जी को ही सुन रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री जी खिलाते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। पैसा पूरे जितने भी मध्यम वर्ग और दूसरे लोग उन लोग से टैक्स लेते हैं और 85 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे उनको खिलाते हैं। 2 करोड़ नौकरी हर साल कही थी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अगर 9 साल में दे दी होती तो 18 करोड़ होते, और अगर एक परिवार में 5 लोग तो 19-85 करोड़ लोगों को वैसे ही खाना मिलता तो आत्मनिर्भर भारत होता। अभी कौन से आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सही पकड़े हैं। दूसरा, संसद का विरोध नहीं है, संसद भवन का विरोध नहीं है, विरोध ये है
कि जब आपके पास एक राष्ट्रपति हैं जो प्रथम पुरुष या प्रथम महिला होते हैं और जो दोनों सदनों के संरक्षक होती हैं, जो इस संविधान के संरक्षक हैं, उस व्यक्ति को आना चाहिए, न कि किसी एक पार्टी के बने हुए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम आना चाहिए। तो जी ये तो होना ही था। मनोज तिवारी की बकैती पर कृति आजाद ने जमकर इनकी फटकार लगा दी, भाजपाइयों की सारी पोल पट्टी खोल दी तो तिवारी मुंह ताकता ही रह गया। जाहिर है इसके पास जवाब तो नहीं रहा होगा। वैसे हर राज्यों में लूट कर सरकार बनाने का अच्छा रिकॉर्ड इन भाजपाइयों का रहा है और इसमें पूरा सपोर्ट गोदी मीडिया ने भी किया है, जिसे यहां पर कीर्ति आजाद तरीके से गिनवा रहे हैं। इस पर भी तिवारी की बत्ती गुल है। खैर, गोदी मीडिया और भाजपाइयों की जुगलबंदी पिछले कुछ सालों से चल रहा है और लगातार एजेंडा चलाने का रिवाज भी चलता ही जा रहा है। तो ऐश्वर्या जी, जब आप भी प्रश्न पूछ देते हैं ना, जो प्रश्न पूछे सरकार को जवाब देना चाहिए, करना चाहिए, जवाब भी दे देते हैं ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है। मनोज जी जवाब दे रहे हैं कि एक एंकर बैठा है जो बराबर मनोज जी जवाब दे रहे हैं। वाह क्या सीन है। वो थोड़ी सी मन में, वो एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ, वो थोड़ी मन में जरूर गड़बड़ी हो जाती है। गैस सिलेंडर 400, फिर उन्होंने कहा भ्रष्टाचार था, आपने भी कहा भ्रष्टाचार था, 2G 3G जीजा जी कोलगेट। वाह क्या सीन है। सबके ऊपर हुआ, जितने लोगों के ऊपर कोर्ट ने बरी कर दिया, कुछ नहीं लगा, कहीं पर नहीं आया कि किसी के ऊपर भी कोई आरोप था या घोटाला हुआ हो। मजा आया।